यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो कृपया करके ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही भयंकर होने वाली है। और इस वीडियो में हम नर्ग की तस्वीरें देखने वाले हैं, सच्ची नर्ग के तस्वीरें देखने वाले हैं। नर्ग के तस्वीरें खींच पाना बहुत मुश्किल है, कौन फोटो खींच सकता है, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो देखिए, परमेश्वर ने कोरिया की एक लड़की को नर्ग का दर्शन दिया है। प्रभु ने दिखाया है नर्ग का हर एक हिस्सा, कि जब कोई व्यक्ति ये पाप करता है तो उसे ये सज़ा मिलती है, ये वाला पाप करता है तो ये सज़ा मिलती है। तो वो जो लड़की है, वो लड़की एक कलाकार है, यानी आर्टिस्ट है। तो उस लड़की ने तस्वीरें बनाई, उस लड़की ने नर्ग के हर एक हिस्से की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत भयंकर होने वाली है। तो कृपया करके अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो ये वीडियो मत देखिए, आप सच में डर जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में कही गई बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, ये मैं नहीं जानता। और जब तक मेरा बाइबल क्लास कंप्लीट नहीं हो जाता तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन सी शिक्षा सही है, स्वर्ग नरक जाने वाली या नहीं जाने वाली। कृपया करके दर्शक, अपनी समझ का सहारा लें, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें और ये वीडियो देखें। धन्यवाद। एक कलाकार की कहानी जिसने नर्ग की तस्वीरें बनाई। 22 मई 2009, उपवास प्रार्थना के 12वें दिन के रात को मेरे मुंह से निकला कि बहुत गर्म है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा नर्ग की पीड़ा सह रही थी। फिर मुझे चार प्रकार की अलग अलग तस्वीरें दिखी। मुझे मालूम पड़ा कि इस स्त्री ने बहुत से व्यभिचारिक पाप किए थे, और मुझे मालूम पड़ा कि इस आदमी ने अपने होठों से बहुत से पाप किए थे। दुष्ट आत्माओं ने उस आदमी की आत्मा का मांस फाड़ा और उसे आग में भुना और उसे खाने की तरह खाने लगे। ये आत्माएं हाल ही में नर्क में आई थी, और वहां पर मैंने दूर में एक काला फैक्ट्री देखा। मुझे एहसास हुआ कि बहुत ही जल्द ये लोग नर्ग की पीड़ा सहने वाले हैं। वहां पे एक डरावने और भयानक भावना ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वे कहती हैं कि उस वक्त तक मैं नहीं जानती थी कि मैंने ये सब क्यों देखा। सारी रात प्रार्थना करने के दौरान मेरा मन भावुक हो गया था। एक कलाकार होने के नाते मैं प्रेरित हुई कि लोग मेरे पेंटिंग्स के द्वारा परमेश्वर का मन जाने। मैंने अपनी इच्छा अपने पास्टर को बताई, उनसे कहा कि प्रार्थना करें और मुझे सुझाव दें। लोग सोचते हैं कि स्वर्ग और नर्ग केवल काल्पनिक दुनिया है, लेकिन आत्मिक दुनिया एक सच्ची दुनिया है जो असल में मौजूद है। हमारा शारीरिक दिमाग, हमारी सोच और हमारा मन आत्मा में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए नर्क में दर्द होता है जैसे कि इस शरीर में दर्द होता है। आत्मा दर्द महसूस कर सकती है जैसे शरीर करता है, बल्कि आत्मा और भी संवेदनशीलता और तीव्रता से दर्द महसूस करती है। स्वर्ग का आनंद और नर्क का दर्द और भी संवेदनशीलता से महसूस किया जा सकता है जैसे शरीर में महसूस होता है। स्वर्ग और नर्क वास्तव में मौजूद है। स्वर्ग और नर्क का वीडियो रिकॉर्ड करके वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए परमेश्वर ने इन पेंटिंग्स के जरिए दिखाया है कि वे कैसे दिखते हैं। जो पेंटिंग्स अभी आप देखने वाले हैं, वे वास्तव में नर्ग के अलग अलग भाग के दृश्य हैं। हत्यारों के लिए नर्ग, वहां आत्माएं रो रही थी क्योंकि उनके मांस को काटा जा रहा था, जैसे कि किसी आदमी के मांस के बाजार में हो।
उनके मांस काट के लटकाए गए थे और एक दुष्ट आत्मा जिसका चेहरा बहुत भयानक था उसके हाथ में बड़ा छुरा था। दुष्ट आत्मा ने कटिंग बोर्ड के ऊपर उसका मांस रखा और फिर काटने लगा, और जब वो काटने लगा तब उस आदमी की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी और क्षमा की भीख मांगने लगी। बाइबल में पहली हत्या कैन ने की थी, जिसका कारण जलन और ईर्ष्या थी। जलन और ईर्ष्या के लिए नरक। दुष्ट आत्माएं लोगों को एक एक करके खाई में फेंक रही थी जो नीचे जमीन से जुड़ा था, और उन्हें फिसला के फेंक रही थी उस दीवार से जिसमें तरल पदार्थ लगा था। जिन लोगों को खाई से फेंका जा रहा था उन लोगों को ऐसा महसूस होता कि उनको छोड़ दिया गया है और त्याग दिया गया है। नर्ग के तहखाने वाले भाग में एक बड़ा बेलचा था जिसके नीचे एक बड़ी चट्टान थी जो देखने में झूले जैसा था। उस बेलचे में एक व्यक्ति बैठा था जिसे कस के बांधा गया था, और वो व्यक्ति डर के मारे बहुत कांप रहा था। वहाँ एक मोटा और फुर्तीला दुष्ट आत्मा था। जैसे ही उस दुष्ट आत्मा ने बेलचे के हैंडल में जंप किया वो आदमी चिल्लाया और हवा में ऊपर उछल गया और गायब हो गया। उनके लिए नर्क जो अपने मुंह से पाप करते हैं। यीशु ने फिर कहा कि जो चीज मुझे टुकड़ों में काटती है वो ये है कि लोग जो मुंह में आए वो बोलते हैं, उनके जीभ बड़े किलो से ठोक दिए जाएंगे, उनके होंठ सुई से सिल दिए जाएंगे और उनके जीभों में लावा डाल दिया जाएगा। दूसरों को बदनाम करने वालों के लिए नरक। फिर परमेश्वर ने कहा कि जब कोई किसी के बारे में बुराई करता है तब वो बुराई उसी वक्त नहीं रुकती, वो एक व्यक्ति से होकर दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है और धीरे धीरे एक बड़ी अफवाह बन जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करते थे उनके जीभ देखने में बिल्कुल शैतान की जीभ की तरह थे। बदनामी करते वक्त एक छोटी सी गलती से दोनों को सहना पड़ता है, एक उस व्यक्ति को जिसने बदनामी की, एक उस व्यक्ति को जिसकी बदनामी हुई। तो बदनामी बुरी चीज है, बदनामी करना एक आदत भी है, ये एक शैतानी काम है क्योंकि लोग दूसरों की बदनामी करके मजे लेते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे बदनामी करने वाले बीज को अपने आप से निकाल फेंको। झूठ बोलने वालों की पीड़ा। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के मुंह में पत्थर डाल रही थी, उस आदमी ने उल्टी कर दी और दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके मुंह में पत्थर ठूसने लगी लगातार बिना रुके। शिकायत करने वाले। मैंने एक आदमी को देखा, सांप ने उसे जकड़ा हुआ था और उस आदमी के पेट के अंदर से एक पतला लंबा सांप हिल रहा था। वहाँ बहुत आदमी बैठे थे, उनके चेहरे में कोई भावना नहीं थी, ऐसा लग रहा था उनके अपने विचार ही नहीं है। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखें सीध में घूर रही थी। मैंने फिर एक बड़ी भीड़ की आवाज सुनी, ये नर्क की आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने इंटरनेट में सुनी थी। ये जो लोग थे ये शिकायत कर रहे थे, वे कह रहे थे ये प्रभु की गलती है, ये परमेश्वर की गलती है, ये तुम्हारी गलती है, ये पास्टर्स की गलती है। मैंने सुना कि वे शिकायत कर रहे थे कि किसी और की गलती है। उनकी शिकायत इतनी तेज थी कि मेरा कान दर्द करने लगा। वे बस सामने की तरफ घूर रहे थे। मैंने जल्दी से प्रभु की तरफ देखा। प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने कहा कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नकारात्मक सोचते रहते थे।
और उन्होंने अपने मन को जिद्दी बना लिया था। अगर बोला नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाप नहीं किया गया। वे सब भी पाप है जिसे तुम अपने मन में दबा के रखते हो, या फिर उसके लिए कोई समाधान नहीं निकालते, या फिर पछतावा नहीं करते हो। उनके लिए नर्क जो आत्महत्या करते हैं, एक आदमी की कहानी। वो व्यक्ति लगातार तनाव में था। ओ, मैं थक के चूर चूर हूं। मैं जहां भी जाऊं कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मुझे शांति मिले। मैंने शराब पी के खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं और जीना नहीं चाहता। अगर मैं मर जाऊं तो क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या इस जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा अगर मैं मर जाऊं तो? और वो कूद गया। ये मैं कहां आ गया? दुष्ट आत्मा ने जवाब दिया, तूने सोचा ये सब खत्म हो जाएगा अगर तू मर जाएगा तो? तूने सोचा तू मरने के बाद खुश हो जाएगा? नर्क में है वे जानते हैं कि स्वर्ग है। वे ये भी जानते हैं कि चाहे वे जितना भी रो ले या पछता ले, वे स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। नर्क अनंत पछतावा और पीड़ा की दुनिया है। नशेड़ियों के लिए नर्क। इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जैसे कि गेम खेलना, गंदी फिल्में देखना। ये असल और काल्पनिक जिंदगी के बीच में भ्रम पैदा कर सकता है। हिंसा, यौन विकृति और बहुत सारे जुर्म। इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों को पाप की तरफ खींच सकता है। ड्रग्स का नशा करने वालों के लिए नर्क एक ठंडी जगह है। दुष्ट आत्माएं उनके हाथ और पैर काट के बर्फ में गाड़ देते हैं और उनका बचा हुआ शरीर एक रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं। सांसारिक लोगों के लिए नर्क।
इन लोगों ने पैसे से प्यार किया जब वे जीवित थे, लेकिन अब यहाँ पर कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा सह रहे हैं। प्रभु ने कहा कि ये लोग अमीर बनने के लिए इतना फंस गए कि इन्होंने लोगों से ज्यादा पैसों को महत्व दिया। उन्हें महंगी महंगी गाड़ियाँ पसंद थी। वे चर्च जाने वालों का और उनके विश्वास का मजाक उड़ाते। उन्हें ऐसा लगता कि जो खाना शैतान उन्हें दे रहा है वो गायब हो जाएगा, इसलिए वे जल्द से जल्द अपने लालच का कोटा पूरा करने की कोशिश करते। जिस तरह से कभी वो ऊंचाइयों पे थे, शैतान उन्हें ऊंचा करता है नर्क में और उनका पूरा शरीर जलाता है, जहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा और खतरनाक दर्द होता है। उन लोगों के लिए नर्क जो व्यभिचार का पाप करते हैं। अगर कोई जोड़ा आपस में बहुत प्यार करता हो, ये परमेश्वर के कानून के खिलाफ है जो उसने हमें दी है। ये व्यभिचारी पाप माना जाएगा। लोग व्यभिचारी पाप करते हैं और वे मानते हैं कि ये जीने का केवल एक तरीका है। कानून ना तो ईमानदार है ना ही हमारे जीवन के उद्धार के लिए है, लेकिन लोग उसे मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी पाप है, जिसका कारण है कि हमारा शरीर मजे के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया। उनके लिए नर्क जो व्यभिचार का पाप करते हैं। एक आदमी और औरत के दोनों हाथ पांव बांधे गए थे, उनको नंगा बांधा था और वे ऊंचाई में बांधे गए थे। दुष्ट आत्माओं के हाथों में 2 से 3 मीटर लंबा भाला था और वे लोगों के गुप्त अंगों में घोप रहे थे बार बार। एक पतला लंबा सांप जो लगभग 15 मीटर लंबा था, वो बहुत ही तेजी से एक स्त्री के गुप्त अंग में घुस गया और उसके शरीर से होता हुआ मुंह से निकल गया। आदमी गड्ढे के दीवारों में चिपके हुए थे और दुष्ट आत्मा जो देखने में लकड़बग्गे की तरह था, उनके गुप्त अंगों को नोच रहा था। जो आदमी दीवारों में चिपके हुए थे वो असहनीय दर्द से चिल्ला रहे थे। वे लोग जो गंदी फिल्में बनाते हैं। वहाँ एक मशीन थी जिसमें एक आदमी के हाथ पैरों को फैला के बांधा गया था। जब वो मशीन चालू होती तब जो हाथ पैर उसके बांधे गए थे वो टुकड़े टुकड़े हो जाते। उनके कटे हुए शरीर को एक जगह में इकट्ठा करके ढेर बना के रखा गया था। उनके शरीर को पतला पतला काटा गया था और एक मशीन से गुजारा गया, बिल्कुल किसी बैंक के कैश रजिस्टर की तरह। वे लोग जिन्होंने जानवरों के साथ व्यभिचार किया, उन लोगों को उल्टा बांधा गया था और उनको लगातार मोड़ा जाता और उनके अंदर से तरल पदार्थ बाहर आने लगता। वे लोग चिल्लाते और दुष्ट आत्मा से कहते कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वे उनके शरीर से निकलता हुआ खून पीने लगती। वे स्त्री जिन्होंने व्यभिचार किया और बेतहाशा गर्भपात किया, एक स्त्री को गड्ढे में उल्टा बांधा गया था। 10 दुष्ट आत्माएं जिनके पास 10 से 20 मीटर लंबा भाला था, वे उस स्त्री के गुप्त अंग में डाल के पूरी तरह से घुमा रहे थे। उनके लिए नर्क जिन्होंने गर्भपात कराया। वहां एक पेड़ था जिसमें कोई पत्ते नहीं थे। उस पेड़ में रेशम के कीड़े की तरह कुछ था। नंगी आत्माएं उस पेड़ के फल में लिपटी हुई थी, जैसे कि कोई छोटा बच्चा कोख में होता है। उस पेड़ के फल के अंदर स्टील के नोकीले कांटे लगे थे जो उस स्त्री के शरीर को छेद रही थी, तो वो स्त्री खतरनाक दर्द और पीड़ा से लहूलुहान थी। ये जगह ऐसे लोगों से भरा था जो मजे तो लेते थे लेकिन बच्चे नहीं चाहते थे और बच्चों को गर्भ में मार देते थे।
जीवन को नुकसान पहुंचाना बहुत ही भयानक हत्या का पाप है, इसलिए हमें जल्द ही पश्चाताप करना चाहिए। उन लोगों के लिए नर्क जो हस्त मैथुन करते हैं। प्रभु ने फिर उनसे कहा, वे लोग जो शैतान के चालों को नहीं समझ पाते और हस्त मैथुन का शिकार बन जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद पर काबू बिल्कुल ही नहीं रख सकते और इस आदत की वजह से पाप कर बैठते हैं। तुम प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकते, ना ही तुम परमेश्वर के बहुतायत प्रेम को आत्मा में महसूस कर सकते हो। तुम्हारे लोग सोचते हैं कि शारीरिक प्रेम ही सब कुछ है। जब प्रेम की बात आती है तो हृदय, मन और आत्मा का प्रेम ही महान है। शरीर के निचले हिस्से का सड़ा गला प्रेम असल में मरा हुआ प्रेम है। जो हस्त मैथुन करते हैं। दुष्ट आत्मा ने एक आदमी को ऊंचे कटिंग बोर्ड में रखा और उसका गुप्त अंग काटने लगा। नो 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 नो। वो आदमी चिल्लाया और उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा। एक स्त्री नंगी थी और उसको कठोर धारदार पत्थरों के ऊपर घसीटा जा रहा था। ये औरत अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से जीत नहीं पाई। ये औरत शारीरिक अभिलाषाओं से संतुष्ट होने के लिए हस्त मैथुन करती थी। ये नर्क के गड्ढे में इसलिए थे क्योंकि ये पाप नहीं मानते थे। प्रभु ने कहा कि इन लोगों ने हर प्रकार के गंदे और दुष्ट काम किए हैं। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन गटर के कचरे की तरह जिया। उनमें से कई फेमस एंटरटेनर्स थे और उनमें से कई ऐसे लोग थे जो बार जाते, शराब पीते और व्यभिचार करते थे। उनके काम गंदे घिनौने गटर की तरह थे, इसलिए वे नर्क के गटर में सजा भुगत रहे थे। इन लोगों ने अपने आप को मारने की कोशिश की और वे खुद को ही पीटते थे। वे खुद को पीटते थे, दूसरों को भी पीटते थे। वे हिंसक थे, वे दूसरों से लड़ते थे। वे अपने हृदय में लोगों को मारते थे और अपने वचन से भी, बार बार, हजारों बार। प्रभु ने उनसे कहा कि पृथ्वी के लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, तो कृपया मेरा दर्द भरा दिल उन्हें पहुंचा दो। तुम बच्चों के लिए नर्क। उन्होंने पूछा, प्रभु ये बच्चा कितने साल का है? प्रभु ने कहा कि ये बच्चा 9 साल का था और एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट था। प्रभु ये बच्चा ऐसी पीड़ा क्यों सह रहा है? वे कहती है कि मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक बच्चा नर्क में है और ये बहुत भयानक था। प्रभु ने कहा, यह बच्चा ऐसे काम करता था जो इसके माता पिता ने करने से मना किया था। शैतान इस बच्चे को पूरे समय इस्तेमाल कर रहा था। ये गाली गलौज करता था और इतनी छोटी उम्र में ही बड़ों के जैसे व्यभिचार करता था। इसलिए इसका दिमाग रोग से इतना ज्यादा ग्रसित हो गया कि इसके माता पिता भी इसकी मदद नहीं कर सके। वहां बहुत से कीड़े थे जो उस बच्चे के चारों ओर रेंग रहे थे, जो उस पूरे नंगे बच्चे को खा रहे थे। प्रभु, छोटे बच्चों के साथ क्या करें? क्या सब ठीक हो जाएगा अगर वो पश्चाताप करें? प्रभु ने कहा, जब एक बच्चा भला और बुरा पहचानता है, स्वर्ग और नर्क के बारे में जानता है और खुद फैसला लेता है, लेकिन फिर भी भ्रष्ट हो जाता है और पाप के क्षेत्र में गिर जाता है, पाप को तुच्छ जानता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों का मजाक उड़ाना, बदनामी करना, मन में कोई भी पछतावे की इच्छा ना होना, वैसे बच्चे सब नर्क में होंगे। इस बच्चे की तरह बहुत से बच्चे आज इस दुनिया में हैं।
अगर ऐसे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ऐसे बच्चे बीमार होके मर जाते हैं, शैतान उन्हें घसीटता हुआ नर्क के अलग अलग जेलों में डाल देगा। पास्टर्स के लिए नर्क जो बुरे बन गए। दुष्ट आत्माएं खुशी से नाच रही थी। वे कहती, अरे आज तो एक बड़ा आदमी आया है, ये तो पास्टर है जो हमें बहुत परेशान करता था। उनका पूरा आत्मिक शरीर बांधा गया था और घसीटा जा रहा था। दुष्ट आत्माएं उन्हें तीर के नोक चुभाकर डरा रही थी जो आग में तपाई गई थी, और बार बार उनके शरीर में घोप के उन्हें डरा रही थी। आ प्लीज प्रभु, मुझे बचा लो प्रभु, आ। दुष्ट आत्माओं ने कहा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अब हमारे हो। ये व्यक्ति यहां पर क्यों है प्रभु? प्रभु ने कहा कि इसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला था और ये व्यक्ति एक कलेशिया को संभाल रहा था। इसने बहुत से लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में प्रचार किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये भ्रष्ट हो गया। ये एक शादीशुदा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी इसने अपने कलेशिया के जवान लड़की के साथ गलत व्यवहार किया। उसके साथ घूमने गया और मुझे भूलने लगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी को मारने लगा और उस जवान लड़की के साथ घर छोड़ के चला गया। उसको फिर कलेशिया से निकाल दिया गया। मुश्किल के समय में भी उसने मुझे नहीं ढूंढा। उसने मेरी मदद स्वीकार नहीं की जब मैंने उसको बहुत से मौके दिए और वापिस लाने की कोशिश की। मैं इसके माध्यम से बहुत से लोगों को उद्धार के रास्ते पे लाना चाहता था, लेकिन इसने हर एक चीज दूर कर दी और अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगा, तो इस वजह से ये यहाँ पे है। प्रभु, ये किस तरह की पीड़ा यहाँ पे सहने वाला है? शैतान पास्टर्स और उन हर एक व्यक्ति से नफरत करता है जिन्होंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरा काम किया हो, तो ये दुष्ट उन्हें हर तरीके का दंड देंगे। दुष्ट आत्मा खुश हुई और कहने लगी कि कैसे तुम मेरे जाल में फंस गए। नर्क का ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो चर्च नहीं जाते थे, या फिर चर्च जाने से नफरत करते थे, या फिर चर्च जाते भी तो आधे मन से चर्च जाते थे। वे लोग जो चर्च के भेंट और दान का दुरुपयोग करते हैं। एक आदमी अपने दोनों हाथ फैलाए क्रॉस के छवि की तरह खड़ा था। उसके हर एक कोशिका में सुई चुभाई गई थी, पूरे शरीर में। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो चिल्ला नहीं पा रहा है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा दर्द और दुख में था। इस व्यक्ति ने चर्च का भेंट और दान खर्च किया था जैसे कि वो उसका धन हो। वे लोग जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, जो वचन से नफरत करते हैं। वहां एक स्त्री थी जो उल्टियां कर रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो क्या देखा कि वो छोटे छोटे सांपों की उल्टियां कर रही है। इस औरत ने परमेश्वर के वचन से नफरत किया था। वचन आत्मा का भोजन है। हमारी आत्मा बढ़ती है और बदलती है परमेश्वर के वचन से। ये वे लोग हैं जो अपने होठों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन अपना मन यीशु को नहीं दे पाते। यीशु ने कहा, इन लोगों ने मुझे अपना मन एक बार भी नहीं दिया, ये मुझे केवल एक पड़ोसी की तरह मानते हैं। उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया। वे प्रार्थना तो करते थे, लेकिन केवल तब जब उनको जरूरत होती। वे रोते तो थे, लेकिन केवल अपने लिए।
नर्क का रास्ता और स्वर्ग का रास्ता। इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अंत में केवल दो ही रास्ते मौजूद हैं। शायद ऐसा दिखे कि हजारों रास्ते हैं, लेकिन जब कोई मरेगा तब उसको स्वर्ग और नर्क में दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा, स्वर्ग या नर्क। जो चीज निर्धारित करेगी कि आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क, वो है आपका जीवन इस पृथ्वी में। जैसे लड़का होगा या लड़की गर्भ में तय होता है, बिल्कुल उसी तरह हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क पृथ्वी का गर्भ तय करेगा। प्रभु ने कहा, मेरा मन दुखता है जब कोई पाप के बीच में जीता है। वे तब तक नहीं जानते जब उनका पाप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि एक ऊंची मीनार बन जाती है। लेकिन मैं उन्हें क्षमा करूंगा जो अपनी मीनार तोड़ेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और मेरे पास आएंगे। तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। हर कोई जो पाप के बीचों बीच जी रहा है, जल्दी से क्षमा मांगो और मेरे पास आओ। मेरा रास्ता सीधा है और मेरी छाती चौड़ी और गहरी है। मैंने सारी मानव जाति के लिए अपना सारा प्यार व्यक्त किया है। ईमानदारी से पछतावा करो ताकि तुम नर्क ना जाओ। जो लोग अपने मन के गहराई से पूरी कोशिश करते हैं, वे नर्क नहीं जा सकते। प्रभु ने फिर कहा, उन्हें इस नर्क के बारे में बताओ, उन्हें मालूम होने दो। ये मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है कि वो एक बार मरे और उसके बाद उसका न्याय किया जाता है। इस वक्त मैं आपको जीवन बदलने वाला एक मौका देने जा रहा हूं। अगर आप यीशु को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, तो क्यों ना अभी एक प्रार्थना करें। कृपया करके मेरे पीछे दोहराएं, प्रभु यीशु, मैं पापी आपके सामने आता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए जान दी और जी उठे ताकि मैं परमेश्वर के सामने अच्छा बनूं। मेरे पापों के लिए मुझे माफ करें और आपके बहुमूल्य लहू से मेरा हृदय धोए। आपके जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख दीजिए और मेरी मदद करें कि मैं स्वर्ग के राज्य में आ सकूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके सारे पाप माफ हो चुके हैं। अपने आसपास किसी चर्च को ढूंढें और बाइबल पढ़ने की कोशिश करें। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।